हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बाइनरी है, ऑक्टल है या तो हेक्साडेसिमल का नंबर है, उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका रिवर्स प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। मायसेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेप्स है। जैसे हमने देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं या तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं या तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम सबसे पहले नंबर को डिवाइड करते हैं बेस से, उसके बाद जो रिमाइंडर आते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, और तीसरा स्टेप है कि बॉटम टू टॉप हम उसको लिख देते हैं। तो वो हमारा प्रोसेस था। यहाँ पे कैलकुलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है कि आप जब डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल या तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा उससे रिवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आपको जो नंबर दिया है उस नंबर को आप पोजीशन वाइज काउंट करिए राइट टू लेफ्ट। ये सबसे पहला स्टेप है। तो राइट टू लेफ्ट हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। तो जीरो से काउंट करना है, 0, 1, 2, 3। जैसे हम प्लेस लिखते हैं, जैसे 134 नंबर हमने लिया, अब इसमें हम काउंट करेंगे 4, 0, 3, 1 पे आएगा और 1 जो है 2 पे आएगा। तो इसी प्रकार से 0, 1, 2 राइट साइड से। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो वैसे करना है सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो नंबर दिया है वो इनटू करके आपको उसका जो पर्टिकुलर बेस है वो लेना है, जो भी नंबर सिस्टम में से आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सपोज आपके पास बाइनरी नंबर है तो बाइनरी में क्या करेंगे, आप लेंगे नंबर 2, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। तो आप उसका लेकर के जो पोजिशन है उसका पावर हम ले लेंगे, जो भी पोजिशन वहां पे लिखा है। जैसे 134 में हमारे पास पोजिशन 2 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो जो भी स्क्वायर है हम वहां पे लेंगे। तो वैसे जो भी नंबर बाइनरी का होगा 0101 0101 0101 वैसे, तो उस प्रकार से हम वहां पे ले लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उस नेक्स्ट स्टेप में ये है कि ये सब नंबर मिला करके कैलकुलेशन करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर होते हैं उसको एडिशन करना है। उसका एडिशन हम करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी नंबर के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1011 0011। तो ये कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी टू डेसिमल। तो कैसे करेंगे, तो बाइनरी नंबर हमारे पास है तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कितने डिजिट है हमारे पास। हमारे पास डिजिट है 3 3 6 प्लस 1 7। 7 डिजिट का नंबर ये मैंने लिया हुआ है, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब ये 3 डिजिट, ये जो 7 डिजिट का नंबर है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट काउंट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे ये कर देता हूं मैं, और 3 कॉलम चाहिए होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सीधा इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, अब नंबर जो है, नंबर हम लिख देते हैं 1011101। तो ये नंबर अभी हमारे पास है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप राइट से काउंट करना शुरू करिए, 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये करना है, पोजीशन काउंट करना है राइट टू लेफ्ट। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो जो आपका नंबर है उसको पहले हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे 1 नंबर है, इनटू अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसका हमें पावर लेना है बेस से। तो यहाँ पे 2 बेस है और 6 हम इस प्रकार से ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट नंबर। अब यहाँ पे आ गया 2:6। अब क्या करेंगे, प्लस आगे वाला नंबर, जब 0 है तो 0 मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 0 आता है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, कहीं पर भी 0 है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट 1 वाला ले लेते हैं, यहाँ पे 1 × 2⁴। तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा 2⁴। यहाँ पे एक शिफ्ट काम करना बंद कर चुका है, प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 2³। उसके बाद 1 × 2² अब 0 है तो कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाला ले लेते हैं
वन इंटू वन एंड रेज टू जीरो पावर, तो ये हो गया है हमारा दूसरा स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और सीधा हमें इसको ले लेना है। तो यहां पे टू रेज बाय सिक्स, तो यहां पे पावर सिक्स का है तो हम सिक्स बार कैलकुलेट करेंगे, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर, तो यहां पे ये मिलेगा हमें 64। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अब क्या है, फोर टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन, इसके बाद क्या है थ्री क्यूब एट स्क्वायर फोर, और लास्ट वाला किसी भी नंबर का जीरो पावर वन होता है तो वो हम लिखेंगे वन। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 64 प्लस 16 80 88 92 और 93, तो यहाँ पे ये आंसर हमें मिला है 93। तो इसी प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे, इसको चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे कैलसी ओपन कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर, अभी कैलसी यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, प्रोग्रामर में जाएगा, प्रोग्रामर हम पहले लेते हैं बाइनरी सिलेक्ट कर लेते हैं 101 111 01। देखिए इसका डेसिमल हमें क्या मिला है 93, और यहां पर भी हमारे पास 93 है। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए कोई और नंबर लेते हैं, और नंबर हम यहां पे करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल नंबर है मेरे पास 5 6 7, ये नंबर है ऑक्टल नंबर, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल नंबर के लिए सेम वही प्रोसीजर, टेबल में ले लेता हूँ इंसर्ट टेबल, यहाँ तीन कॉलम चाहिए 5 6 7, और वही सेम 0 1 2, तो इस प्रकार से करेंगे। अब सेम वही प्रोसीजर करना है, पहले नंबर क्या है हमारे पास 5 इन टू, अब क्या करेंगे तो बेस क्या है ऑक्टल का 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 8 जो है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट में, ओके। तो यहाँ पे 8 से लेकर के हमारे पास जो पोजीशन है उसका नंबर आ जाएगा, तो पोजीशन हमारे पास फाइनल है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसका, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 है इनटू 8 और पावर आएगा 1, प्लस 7 इंटू 8 पावर आएगा 0, तो ये सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हम लिखेंगे सीधा 5 इंटू 64 प्लस 6 इंटू 8 दैट इज 48 एंड लास्ट वन इज 7 इंटू 1। अब यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 5 20 सो 0, 6 5 30 32, 6 8 48 एंड लास्ट वन इज 7। नाउ द कैलकुलेशन, 7 प्लस 8 15, 7 एंड 3। अब इसे देखते हैं 5 5 6 7 का क्या हमें मिलता है कैलसी में। तो हमारे पास नंबर सिस्टम है ऑक्टल, तो ऑक्टल में हम करेंगे इसे 5 6 7, यहाँ पे 375 आंसर मिल गया, तो ये एक करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया। सेम उसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल को, तो हेक्साडेसिमल का कोई नंबर ले लेते हैं A 2 3 D, ऐसा कोई नंबर है। अब इस नंबर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, टेबल इंसर्ट कर लेता हूं मैं, A 2 3 D, क्या करेंगे वही सेम 0 1 2 3, तो इस प्रकार से यहां पे आ जाएंगे। अब नंबर यहां लिखेंगे हम, A का मतलब होता है 10 हेक्साडेसिमल में, तो वो 10 डाल देंगे, 10
टेन इंटू, अब पोजिशन क्या है हमारा, पोजिशन है आपका 3 और इसका बेस क्या है 16, तो यहां पे 16 क्यूब हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस अब हमारे पास नंबर 2 है इंटू 16 स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 16 1, प्लस डी क्या है ए बी सी डी क्या आएगा 10, 11, 12, 13 13 आएगा, 13 इंटू 16 0। ओके नाउ 16 क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 क्यूब क्या होता है, तो 16 क्यूब यहां पे 16 स्टैंडर्ड ले लेता हूं मैं, प्रोग्रामर पे है अभी, 16 इंटू 16 4096, 10 इंटू 4096 प्लस 2 इंटू 256, 3 इंटू 16 एंड लास्ट वन इज 13 इंटू 1। नाउ 40960 प्लस 512 प्लस प्लस इज मिसिंग ओवर हियर या प्लस 48 प्लस 13 इज नॉट देयर, ये शिफ्ट की का लफड़ा है बहुत बड़ा। ओके नाउ लेट मी ऐड दिस 4096 प्लस 512 प्लस 48 प्लस 13, सो हियर द आंसर इज ओके रॉन्ग, 40960 प्लस 512 प्लस 48 प्लस 13, सो 41533। लेट मी चेक नाउ, ओपन कैलसी और यहां पे प्रोग्रामर कर दीजिए। अब यहां पे नंबर लेना है हमें हेक्साडेसिमल, हेक्स सिलेक्ट करके ए, फिर नंबर था हमारे पास 2 के बाद है 3D एंड देन यू कैन सी द डेसिमल नंबर 41533। तो इसी प्रकार से आप यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको जो भी नंबर कन्वर्जन करना है इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो फ्रैक्शन वाला है वो हम और वीडियो में लेंगे ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम फ्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके अलावा एक और भी मेथड है शॉर्टकट मेथड, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें कि आपको डायरेक्टली अगर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है या उससे वाइस वर्सा करना है, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो कैसे करेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके साथ साथ फ्रैक्शन वाला भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोज देखते रहिए।